आजादी के अनेक दशकों के बाद भी इस देश में 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी और ये गांव अधिकतर हमारे आदिवासी बस्ती के गांव थे, हमारे पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वालों के लोगों के गांव थे, जनजातियों से गांव थे, नॉर्थ ईस्ट के गांव थे। लेकिन ये उनके चुनाव के हिसाब किताब में बैठता नहीं था, इसलिए इनकी प्रायोरिटी नहीं था। हम जानते थे ये कठिन काम इन्होंने छोड़ दिए हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, हम इस चुनौती को भी उठाएंगे। और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया, समय सीमा में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई। और उस चुनौतीपूर्ण काम करने के पीछे गांवों में एक नई जिंदगी की अनुभूति हुई, उनका विकास तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई देश की व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ा। और विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। जब देश के नागरिकों का विश्वास बनता है तब वो लाखों करोड़ों गुना एक सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाता है। वो विश्वास हमने जीता है और हमने मेहनत की, हमें मेहनत पड़ी। लेकिन मुझे खुशी है उन दूर दराज के गांवों को आजादी के इतने सालों के बाद नई आशा की किरण दिखाई दी, संतोष का भाव प्रकट हुआ और वो आशीर्वाद आज हमें मिल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पहले की सरकारों में कुछ घंटे बिजली आती थी, कहने को तो लगता था बिजली आ गई, गांव के बीच में खंभा डाल दिया तो हर साल उसकी समर्थनी मनाते थे, 15 तारीख को खंभा डाल आ गया। बिजली तो आती नहीं थी, आज बिजली पहुंची इतना ही नहीं, औसत हमारे देश में 22 घंटे बिजली देने के प्रयास में हम सफल हुए। हमें इस काम के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें लगानी पड़ी, हमें नए ऊर्जा उत्पादन के लिए काम करना पड़ा, हमने सौर ऊर्जा की ओर जाना पड़ा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी का नए क्षेत्र खोजने पड़े, हमने लोगों को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ दिया। राजनीतिक फायदे घाटे की बात नहीं सोची, हमने देश का आने वाली कल उज्जवल बनाने का रास्ता चुना। हमने खुद के लिए दबाव बढ़ाया, लोगों की मांग बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा, हमने मेहनत वाला रास्ता चुना और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। देश ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।